फर्क पड़ेगा टीम को, बड़े खिलाड़ी है पाकिस्तान टीम, तीनों फॉर्मेट कैप्टन भी है, और पेशावर जर्नी में आना कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा खिलाड़ी नहीं पाकिस्तान का, बड़ा खिलाड़ी नहीं दुनिया का, बड़ा खिलाड़ी नंबर वन प्लेयर है इसमें, उसकी रैंकिंग ये है। तो डेफिनेटली जिस समय इतना बड़ा प्लेयर आता है तो टीम पे फ़र्क पड़ता है, और बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम भी बाबर से तवक्को कर रहे हैं कि ये अच्छी परफॉर्मेंस देगा, टीम में आएगा और कप्तान है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा इससे। अच्छा, आपके चेयरमैन साहब जावेद साहब नहीं आए, कुछ सुना है कि नाराज़गी है पीसीबी की तरफ से पेशावर में मैचेस के हवाले से, तो क्या उसका अपडेट है? मेरे ख्याल में तो कोई नाराज़गी नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, वो है नहीं मेरे ख्याल में कंट्री में, इसलिए नहीं आए। अच्छा इंजी भाई, अभी वसीम भाई से भी सवाल हुआ था कि पीएसएल ने अपनी जगह पूरी दुनिया में बना ली है, तो ओवरऑल जो 8th एडिशन शुरू हो रहा है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि पीएसएल की जो जितनी भी ये लीग्स हो रही हैं इसमें एक अलहदा से एक इसकी अहमियत है, और जिस क्वालिटी की क्रिकेट यहाँ खेली जाती है तो मेरे ख्याल में आप किसी भी दुनिया में लीग से ना कंपेयर कर सकते हैं। और अब ऐसे ऐसे डे बाई डे प्लेयर्स, सारे अच्छे से अच्छे प्लेयर्स हमारी एडिशन में आ रहे हैं, अगर पहले से लेके 8वीं तक में देखा जाए तो प्लेयर्स का बहुत फ़र्क है। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान की जो पीएसएल है अब ये टॉप लीग है दुनिया की। अच्छा इंजमाम भाई, इस बार जो है बैटिंग के हवाले से बात की गई थी रमीज़ यादव की तरफ से, आप समझते हैं कि पीएसएल इतनी तैयार हो चुकी है कि अगर इसका पैटर्न चेंज किया जाए तो इजीली अडॉप्ट कर जाएगा, जो फ्रेंचाइज आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं देखिए, जाहिर है लीग जिस तरह बड़ी होती जा रही है थोड़ी सी चेंज वगैरह भी आएगी, लेकिन सारे अब ना फ्रेंचाइज के ऑनर्स भी और सारे ये बैठ के इसको डिसाइड करेंगे इसको किस तरह करना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि जी आप जाहिर बात है थोड़ी सी चेंज ज़रूर आएगी। इंजमाम भाई ये बताइएगा, इस बार तो काफ़ी बड़े प्लेयर जैसे फिंच हो गया, असरंगा हो गया, न्यूजीलैंड के प्लेयर आ रहे हैं, तो इससे कितना फ़र्क लीग को पड़ेगा जब बड़े प्लेयर आएंगे जो नौजवान खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर होगा? देखिए मैंने आपसे अभी इस चीज़ का ही कहा कि जिस समय हम पहला एडिशन था हमारा तो हम स्ट्रगल कर रहे थे, अब ये क्योंकि दुनिया के सारे टॉप प्लेयर्स हैं ना पीएसएल में आके खेलना चाहते हैं, ये हमारी कामयाबी। आज 8वां एडिशन जो हो रहा है तो उसमें जो सारों से बड़ी कामयाबी, अब दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स हैं ना आके खेलना चाहते हैं इस लीग में, क्योंकि जिसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, हर चीज़ बहुत बेहतर है, तो ये बहुत अच्छा है प्लेयर्स के लिए भी और लीग के लिए भी, क्योंकि जिस सारे टॉप प्लेयर्स आके खेल रहे। तो अच्छा अगर भाई आप भी ज़रा बता दें क्या प्लानिंग की है, कौन कौन से खिलाड़ी को हेल्पमेंट दे रहे हैं, कौन से बड़े खिलाड़ी एक तो जलमी में आ गए बाबा, दूसरे कौन कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो प्लानिंग तो हम सारे करके आते हैं, ये उसी तरह जैसे मैच में आप प्लानिंग करके जाते हो डिपेंड करता है अंदर। अस्सलाम वालेकुम, राजी इधर आओ भाईजान, यार आप पीछे से कैसा है यार, पहुँच गए मैंने कहा दो जो वहाँ पर फिट मिलती फिट लोग मिल गई आई थोड़ा मैं शुरू करूँगा ऐसी So I just keep getting your guidelines. I didn't experience that they have got some experience. They said, oh, this is first match of the season. So I will take some simple things. Go for Harlem. That's it. That's how I go. Go, go, go. After Pakistan World Cup, 10 matches per side. Each 10 matches. World Cup, then I think we come for white ball. January, then I'll come for BPL.
में बेसिकली क्या आपने क्या क्या अचीवमेंट्स प्रोडक्शन मैं पढ़ा मैंने का यार कुछ किया है तो नहीं तकलीफ है ना।